नवी मुंबई के एरोली से ठाणे के मुमरा इलाके के कटाई नाका के बीच बन रही 6 लेन की सड़क और टनल बनाने का काम तेजी से जारी है। इसी रोड पर एक टनल में एमएमआरडीए की तरफ से ब्लास्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें वहां लगाए गए कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में साफ नजर आया कि जैसे ही टनल के अंदर धमाका हुआ, चट्टान के बाहर की मिट्टी खिसकने लगी और एक बड़ा सा सुराख हो गया और थोड़ी ही देर बाद वहां काम कर रहे कर्मचारी उस सुराख को देखने जाते दिखाई दिए। इसके अलावा नवी मुंबई से ठाणे के बीच बन रहे इस एलिवेटेड रोड की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ दिखाई दिया कि इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। बताया गया कि एलिवेटेड रोड का काम 85% और सुरंग बनाने का काम 67% तक पूरा हो चुका है और इसी साल इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रोड के बन जाने से नवी मुंबई से ठाणे जाने में महज 10 मिनट का समय लगेगा, जबकि मौजूदा समय में घंटों लगते हैं। इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीप का न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।